पन्ना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पन्ना कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में समस्त पन्ना जिले के प्राइवेट स्कूल संचालक एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्य रूप से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया। कोरोना काल में 7 माह से लगातार स्कूल बंद है। ऐसी स्थिति में स्कूल संचालकों के साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और अन्य स्टाफ को परिवार का पालन पोषण करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंततः शासन द्वारा संचालकों और शिक्षक स्टाफ को तत्काल आर्थिक मदद प्रदान की जाए। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। हाँ, फिर से मार्च से हम लोगों के स्कूल बंद हैं और सरकार के द्वारा हम लोगों पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाया गया, ना किसी भी तरह कोई राहत राशि दी गई। हम लोग आज दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं। हम लोग आज बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान होकर के मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हम 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज बैठे हैं। सरकार हमारी ये मांगे माने। हमारा जो भुगतान बकाया है 11/17/11/12 से और आज 19/20 तक का जो भी भुगतान हमारा RT के तहत निःशुल्क प्रवेश एडमिशन लिए गए थे, उनका भुगतान जो बकाया है उसका भुगतान शीघ्र किया जाए। और कक्षा 1 से 12 तक की जो मान्यताएं हैं कोरोना काल में बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएँ। RT के अंतर्गत कौन कौन से छात्र पढ़ाते हैं और कितनी परसेंट आपके हर क्लास में RT के विद्यार्थी होते हैं? न्यूनतम 25% के लिए हमें बाध्यता रहती है कि न्यूनतम आपको 25% बच्चे RT के तहत एडमिशन लेने ही पड़ेंगे, जिसका भुगतान शासन करती है। और RT एक्ट के तहत उनका कमेंट्स था कि हर सत्र हम जो है 30 मार्च के पहले पहले आपका भुगतान करते रहेंगे। मतलब प्रत्येक वर्ष के 30 मार्च तक भुगतान हम करते भुगतान होना चाहिए। आज कितने वर्षों से भुगतान नहीं हो पाया है? हम लोगों का 4-4 वर्ष से भुगतान, 5-5 वर्ष से भुगतान रुका पड़ा है जी। नियमित भुगतान नहीं किए जा रहे। आज हम लोगों की बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। हम आज भुखमरी कगार पर पहुँच चुके हैं। तो हमारी ये समस्याएँ हैं, इन समस्याओं का और मान बिना किसी भी तरह की सरकार से आपकी स्कूल खोलने के संबंध में क्या किस तरीके की मैं ये चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरह से पूरे मार्केट को ओपन कर दिया है, हर तरह से पूरी गतिविधियां सामान्य कर दी गई हैं और चुनावी रैलियां बिना अनलिमिटेड, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिटेशन के चलाई जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।